दोस्तों हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आज WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। करंट टाइम में रोमन रेंस से फाइट करके जितना किसी माइलस्टोन हासिल करने के जितना नामुमकिन है। लेकिन WWE के दो ऐसे भी रेसर हुए हैं जो रोमन रेंस को एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार हरा चुके हैं। तो मैं हूं प्रिंस वर्धन और आप देख रहे हैं रेसल प्रिंस। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं और इस लिस्ट के नंबर वन पाते हैं सेथ फ्रीकेंस रॉलिंस। सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को तीन बार हरा रखा है। पहली बार उन्होंने मनी इन द बैंक पर व्यू 2016 में WWE चैंपियनशिप के लिए हराया था। लेकिन उस मैच में एक ऐसा भी मोमेंट देखने को मिला जब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को स्पीयर मारते हैं और पिन करते हैं, लेकिन रेफरी बेहोश होता है, इस बात को नहीं देखता है। और जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को पिन करते हैं तो रेफरी काउंट आउट कर देता है। सेथ रॉलिंस ने दूसरी बार रोमन रेंस को हराया था 25 फरवरी 2018 पे रॉ के एपिसोड में एक गॉन्टलेट मैच हुआ था। उस मैच में रोमन रेंस जब सेथ रॉलिंस को स्पीयर मारने जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन का पैर पकड़ लेते हैं और सेथ रॉलिंस आकर रोल अप करके उनसे मैच जीत जाते हैं। और सेथ रॉलिंस ने तीसरी बार रोमन रेंस को हराया था रॉयल रंबल 2022 में। इस मैच में सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को चिढ़ाने के लिए शील्ड वाले कपड़े पहने थे और रोमन रेंस को शील्ड पावर बम भी देते हैं टेबल के ऊपर। उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस की तरफ से बकल बम भी देखने को मिला। रोमन रेंस भी प्लटवार करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, उन्होंने पावर बम दिया, सुपरमैन पंच दिया। इतना पिटाई होने के बावजूद भी सेथ रॉलिंस काफी हंस रहे थे। इसी चलते रोमन रेंस गुस्से में आकर उनको ग्लिटिन चौक में फंसा लेते हैं। ग्लिटिन चौक पर जब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को फंसाते हैं तो सेथ रॉलिंस रस्सी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद भी रोमन रेंस नहीं छोड़ते हैं। उस मैच में रोमन रेंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इस तरह सेथ रॉलिंस तीसरी बार रोमन रेंस से जीत जाते हैं। और रिशिश के नंबर टू पाते हैं बीस्ट कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर WWE के सबसे खतरनाक रेसर हैं और यही वजह है कि ब्रॉक लेसनर के सामने बड़े से बड़े रेसर घुटने टेक देते हैं। और रोमन रेंस भी ब्रॉक लेसनर के हाथों तीन बार हार चुके हैं। रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर पहली बार हारा थे SummerSlam 2017 में, जहां यूनिवर्सल टाइटल के लिए फेटल फोर वे मैच हुआ था। ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन और समोआ जैसे चार रेसलर थे और इस मैच में चारों रेसलर एक दूसरे को खूब डोमिनेट करते हैं। स्पेशली ब्रॉन स्ट्रोमैन सारे रेसलर को डोमिनेट कर रहे थे और ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ से हमें कई पावरफुल मूवमेंट भी देखने को मिले। ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रॉक लेसनर को उठाकर टेबल के ऊपर लगातार दो बार पावर स्लैम दे देते हैं, जिसे टेबल पूरा पूरा टूट जाता है और ब्रॉक लेसनर को मेडिकल हेल्प जरूरत पड़ गई थी। उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं तो रोमन रेंस को 1-5 देकर मैच को जीत लेते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को 2018 के ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के स्टील केज मैच में हराया था। इस मैच में दोनों रेसलरों की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। रोमन रेंस जब ब्रॉक लेसनर को स्पीयर माने जाते हैं तो स्टील केज टूट जाता है और उस मैच में सबसे पहले ब्रॉक लेसनर गिरते हैं और उसके ऊपर से रोमन रेंस गिरते हैं और इसीलिए इस मैच में ब्रॉक लेसनर को विनर घोषित कर दिया जाता है। और ब्रॉक लेसनर तीसरी बार रोमन रेंस को हराया था WrestleMania 34 में। और इस पूरे मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस को पीट पीट कर उनका सर फोड़ देते हैं और सर फूटने के बाद भी उनको लगातार 5-5 देते हैं और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों भारतीय शेर वीर महान रॉ के रोस्टर में तहलका मचाए हुए हैं। क्या अगर फ्यूचर में रोमन रेंस के साथ वीर महान भिड़ते हैं तो क्या वीर महान रोमन रेंस को हरा सकते हैं या नहीं, आप लोग कमेंट बता सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।